जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग विकास इकोटेक कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। विकास इकोटेक के बारे में देखिए, एक अच्छी खबर यह है कि इस स्टॉक में लगातार इन दिनों अपर सर्किट देखने को मिल रहा है, मतलब इस स्टॉक में अब तेज़ी आना शुरू हो गया। और सवाल है कि ये जो तेज़ी आना शुरू हो गया, ये तेज़ी कितने दिनों तक चलेगी, ताकि ये यदि हमें अनुमान लग जाए कि कितने दिनों तक चलेगी तो शॉर्ट टर्म में हम इसमें अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। लंबी अवधि के निवेशक हैं तो लंबी अवधि के निवेशक के लिए तो विकास इकोटेक मस्त कंपनी है ही, लेकिन जो लोग शॉर्ट टर्म में, यानी कि जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग चार्ट देखकर, यानी कि जब तेजी आने वाला होता है सिर्फ उस समय पैसा लगाते हैं, उनके लिए भी वीडियो काफ़ी कमाल कराने वाला है। और बाकी जो लंबी अवधि के निवेशक हैं उनके लिए भी काफ़ी काम की वीडियो होने वाली है। देखिए, अभी विकास इकोटेक का आज के दिन प्राइस देख सकते हैं, 3 रुपये टच करते करते रह गया, सिर्फ 2 रुपये 90 पैसा पर इसने अपना क्लोजिंग दे दिया है। आज के दिन देखेंगे तो तकरीबन 6% के आसपास इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली है, यानी कि अभी स्टॉक अपर सर्किट में चल रहा है। और ये सिर्फ एक दिन की तेजी की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले एक सप्ताह में देखेंगे, पिछले एक सप्ताह में स्टॉक 11.5% के आसपास चढ़ा है। आप क्या इस शानदार तेजी से स्टॉक में देख सकते हैं कि पहले यहाँ तक तो एकदम धीरे धीरे आ रहा था, हालांकि यहाँ तक भी देखेंगे तो ये स्टॉक अपर सर्किट में चल रहा था, लेकिन इसके बाद देखेंगे तो यहाँ से देखिए ये स्टॉक ऊपर की तरफ चढ़ा है और अभी सपाट होगा। और फिर यहाँ पर देखेंगे तो ये बता रहा है कि अभी प्राइस और ऊपर जाएगा, और कितना ऊपर जा सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, बस आप धैर्य बना के बने रहिए। पिछले एक मंथ में देखेंगे तो एक मंथ में स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टॉक में पिछले काफ़ी दिनों से गिरावट देखने को मिला था, इसीलिए 6 मंथ में देखेंगे तो 6 मंथ में ये स्टॉक तकरीबन आपको 13.5% के आसपास टूटते हुए नजर आया है। और 6 मंथ में देखेंगे शानदार तेजी, मतलब शानदार नहीं कहेंगे, तेजी गिरावट कभी भी शानदार नहीं होता है, यहाँ गिरावट हुआ है, कंटिन्यूअस गिरावट आप देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी अच्छी बात है कि यहाँ पर प्राइस उठने लगा है, और जैसे ही ये जो इसका जो मैंने ये लाइन ड्रॉ किया है इसको ब्रेक करता है तो प्राइस काफ़ी तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा, और इस स्टॉक में जो कैंडलें बनेंगी वो काफ़ी बड़ी बड़ी बनेंगी, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए विकास इकोटेक क्या काम करती है और इस कंपनी का जो फंडामेंटल कैसा है इसके बारे में बात होगी, लेकिन सबसे पहले हम चार्ट पर आपको लेकर चलते हैं और वहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से आपको बताएंगे कि अभी शॉर्ट टर्म इस स्टॉक में क्या हो सकता है। तो देखिए ये है इस कंपनी का चार्ट, और अभी देखेंगे तो मैंने 1 साल का इस कंपनी का चार्ट ओपन किया हुआ है, और जरूरत पड़ेगा तो फिर 5 साल का चार्ट भी ओपन करेंगे। फिलहाल 1 साल के चार्ट पर देखते हैं कि ये कंपनी का जो चार्ट है ये क्या कर रहा है। तो देखिए 1 साल के चार्ट पर यदि थोड़ा बहुत भी आपको चार्ट समझ में आता है तो बातें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। देखिए आप स्पष्ट देख सकते हैं, ये एक मैंने लाइन ड्रॉ किया और ये एक लाइन ड्रॉ किया, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक देखेंगे तो ये जो कंपनी का शेयर प्राइस एकदम कम्प्लीटली रेंज बाउंड में था, यानी कि तकरीबन ये कितना का था, देखिए 3 रुपये से लेकर 4 रुपये इसी के बीच में काफ़ी दिनों तक घूम रहा था। लेकिन क्या हुआ कि इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, इसका ब्रेकडाउन हुआ और प्राइस नीचे आया। नीचे आने के बाद देखेंगे यहाँ पर तो WW बनाने के बाद तकरीबन WW जैसा ही है, प्राइस अब ऊपर की तरफ उठना शुरू हुआ है। और सबसे कमाल की बात है कि यहाँ पर इसने सपोर्ट लेकर 2.5 रुपये के आसपास सपोर्ट लेकर प्राइस उठना शुरू हुआ है, तो इस सीधे आएगा 3 रुपये के आसपास। अभी जैसे 2.90 रुपये के आसपास प्राइस चल रहा है, लेकिन अपमान कर चलिए कि 3 रुपये तक ये आएगा ही आएगा यहाँ पर। और 3 रुपये तक आने के बाद प्राइस यहाँ पर जब कुछ दिनों तक ठहरेगा 3 रुपये के आसपास, उसके बाद फिर प्राइस ऊपर उठेगा, तो ये जो वाला एरिया है ये वाला 3.5 रुपये, और फिर उसके बाद आएगा तो 4 रुपये के आसपास ये जो एरिया है 4 रुपये तक आएगा। यानी कि अभी कह सकते हैं कि अभी शॉर्ट टर्म में भी आपको ये स्टॉक जो है 4 रुपये तक जाते हुए दिख सकता है, इतना इसमें पोटेंशियल है। और यदि तेज़ी जो अभी इन दिनों देखने को मिल रही है वो तेज़ी बरकरार रहती है, तब तो ये स्टॉक आपको रॉकेट बनते हुए दिखेगा, और हो सकता है कि ये 4 रुपये के लेवल को पार करके इसके भी ऊपर ये स्टॉक आपको जाते हुए दिखे तकरीबन 4.5-5 रुपये के आसपास, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब जो लंबी अवधि के निवेशक हैं उनके लिए मैं बताता हूँ कि ये स्टॉक कैसा है। देखिए विकास इकोटेक जो कंपनी है ये स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाली कंपनी है, इसके अलावा ये पॉलीमर कंपाउंड में भी कंपनी काम करती है। और जो केमिकल होता है ना, केमिकल का प्रयोग इन दिनों हर एक चीज़ में किया जाता है, ऐसा कोई आप प्रोडक्ट सोचिए जिसमें केमिकल का प्रयोग ना किया जाता हो, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हो या उसमें नहाने और धोने का चीज़, हर एक चीज़ में केमिकल का प्रयोग होता है, यानी कि फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपनी काफ़ी शानदार है, तो इसका डिमांड फ्यूचर में भी रहने वाला है। अब थोड़ी बहुत फंडामेंटल की बात कर लेते हैं। देखिए विकास इकोटेक का फंडामेंटल भी काफ़ी बढ़िया है, मार्केट कैप 273 करोड़ के आसपास, यानी कि कंपनी पेनी स्टॉक है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन उससे बहस नहीं है, मुनाफा होने से मतलब है, जो कि मुनाफा अभी आपको इस स्टॉक में हो भी रहा है। देखिए शेयर प्राइस 2.90 रुपये के आसपास चल रहा है, और बुक वैल्यू देखेंगे तो 2.46 रुपये, यानी कि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है बुक वैल्यू से ऊपर, ये काफ़ी बढ़िया बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे माइनस में नहीं है, भले कम है चलेगा, रिटर्न कैपिटल बोलो 7% के आसपास, थोड़ा बहुत ये जो आर ओ ई है और आर ओ सी बढ़ जाए तो मज़ा आ जाएगा।
इसके अलावा क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं, फंडामेंटल और कितना मजबूत होगा ये हमें क्वार्टरली रिजल्ट से पता चलता है। सेल्स की बात करें तो दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का सेल्स थोड़ा सा डाउन हुआ, 111 करोड़ हो गया जो कि पहले 134 करोड़ के आसपास था। हालांकि पिछले कई क्वार्टर्स के मुकाबले देखेंगे तो अभी भी इस कंपनी का जो सेल्स है वो बढ़िया है, यानी कि ज़्यादा ही है। कंपनी का सेल्स कम हुआ है इसलिए जो नेट प्रॉफिट है वो भी दिसंबर क्वार्टर में कम हो गया। कुछ खास चिंता की बात नहीं, नेक्स्ट क्वार्टर में जब रिजल्ट बेहतर होगा तो इस कंपनी का सेल्स भी बढ़िया हो जाएगा और ओवरऑल देखेंगे तो विकास इकोटेक का फंडामेंटल बढ़िया है। लंबी अवधि के निवेशक हैं तो आपको इस कंपनी के फ्यूचर और कंपनी का फंडामेंटल के बारे में नहीं सोचना है, दोनों ठीक है। उम्मीद करता हूँ विकास इकोटेक के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। कोई भी मन में सवाल होगा कमेंट में पूछेगा। यदि आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट नहीं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप पेंजलोन या एमएस स्टॉक में अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।